गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और राजी खुशी होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल ट्रेवलर राजीव बोध में। आज शनिवार है और आज और कल का दिन छुट्टी का दिन है, इस करके मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मुझे ऑफिसों में काम है, इस करके दो दिन की छुट्टी है और आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आज और कल दोनों दिन मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो इस करके मैंने सोचा आज मैं ले चलता हूँ आप लोगों को चांदनी चौक के भागीरथी प्लेस में, जहाँ मुझे थोड़ा बहुत सामान भी ख़रीदना है, अपने घर के लिए थोड़ा बिजली का सामान ख़रीदना है। तो ले चलते हैं आप लोगों को भी वहीं पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग दिल्ली के चांदनी चौक भागीरथी के साथ, बने रहें आप लोग। इस वक्त मैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से निकल रहा हूँ और ये जी चांदनी चौक, चांदनी चौक का मेन बाज़ार, और मुझे यहाँ से लेफ्ट की ओर जाना है लाल किले की ओर, जो भागीरथी प्लेस है। इलेक्ट्रिक बिजली के स्विच और बिजली के सामान का होलसेल मार्केट है। वैसे तो मैं कल भी यहाँ पर राउंड मार के गया हूँ, लेकिन मुझे कल कुछ समझ नहीं आया, इस करके मैं कल ऐसे खाली देख कर चला गया। आज फिर मैं दोबारा सामान खरीदने के लिए आया, काफ़ी रात को काफ़ी सारा सोचा, फिर मैंने सोचा चलो 2-2.5 हज़ार रुपये बच जाएगा। और यह है सामने गुरुद्वारा, और आप सामने देख सकते हैं लाल किला का झंडा भी दिखाई दे रहा है, और यह गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे से मुझे 70-80 मीटर के बाद बाएं मुड़ना है, जो भागीरथी प्लेस है, जो बिजली का होलसेल का सबसे बड़ा मार्केट है दिल्ली का। और वहाँ से मुझे घर के लिए कुछ स्विच और स्विच प्लेटें वगैरह ख़रीदना है। और यह है गेट भागीरथी प्लेस का, यहाँ से अंदर जाना है मुझे। और ये देख सकते हैं यहाँ से अंदर होते ही चारों तरफ लाइटें जगमगा रही है। ऐसे लगता है कि जैसे दिवाली का माहौल चला है। मार्केट भी कितना बिजी है, देख सकते हैं आप, नीचे ज़मीन बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हर तरफ लाइटें और लोगों का भीड़ दिख रहा है। और यहाँ पर मुझे जाना है टुक टुक लाइट्स में, जिसे मैं कल रात पर यूट्यूब में देख के वहाँ जाने का डिसाइड किया मैंने। और वहाँ से मैं कुछ सामान लूँगा, अपने घर के लिए बिजली का सामान वगैरह लेना है। और यह है टुक टुक लाइट, और यहीं पर मैं अपना शॉपिंग करूंगा। और पहले मैंने यह सामान ले लिया है अपने लिए। मैं जस्ट अभी अपना सामान खरीद के वापस पहुंचा हूं अपने कमरे में। वैसे तो मुझे रेट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, हेवल्स और जो ब्रांडेड आइटम है उनमें तो ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया मुझे, 5-7% का ही नज़र आया। तो चलो फिर इतना दूर आया तो 2-2.5-3 हज़ार रुपये बच गए, तो बहुत है, मैं फ्री भी था वैसे। अब कुल्लू और दिल्ली के सामानों में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, जो लोकल आइटम है उनमें काफ़ी फ़र्क है। जो ब्रांडेड आइटम लेना हो, जैसे बिजली का सामान में हेवल्स एंकर या कुछ और ओरिएंट वगैरह का लेना हो, तो उनमें तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। मैं वहाँ पर भी पतलीकुल में डोबी में कई जगह पूछ के आया था, तो रेट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं थे, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 रुपये का रुपये से ज़्यादा के फ़र्क नहीं थे। तो चलो मैं यहाँ आया था तो इस करके मैं ले ही लिया, फिर भी जैसे भी हो 2-2.5 हज़ार रुपये तो मेरे ख्याल से बच ही गए होंगे। और यहीं पर अब मैं अपने वीडियो का एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में, धन्यवाद।